हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिविगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर है 8। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोनों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। इसे अंग्रेजी में नाइट्रिशन बोलते हैं। तो उसे समझने के लिए, नाइट्रीकरण या जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी उसे समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमें यह पता होना चाहिए कि जो नाइट्रिशन होगा, नाइट्रीकरण होगा, वो एल्डिहाइडों और कीटोनों में किस स्थान पर होगा। तो उसके लिए पहले इनकी अनुनादी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। ये बेंजीन रहा, बेंजीन से क्या जोड़ना है हमें, एल्डिहाइड या फिर कीटोन समूह, दोनों की एक समान ही होती हैं अभिक्रियाएं। तो यहां पर मैं अभी एल्डिहाइड ले लेता हूं, तो सी एच और ये डबल बॉन्ड ओ। क्या करता है ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस कारण से ये क्या करेगा, यहां से माइनस चार्ज क्रिएट कर लेगा, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और क्या होगा, ये वाला भी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जिससे इस वाले कार्बन एटम पर आएगा प्लस चार्ज और इस वाले पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो क्या होगा, यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर कैसा है, प्लस चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, आपस में यहां पर जो अगली अनुनादी संरचना है वो क्या रहेगी, ये तो ब्रेक हो गया, यहां पर एक बॉन्ड बचा है और एक बॉन्ड यहां पर, दो पाई बॉन्ड बचे हुए हैं। यहां पर प्लस कार्बन एटम और माइनस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड बन गया। यहां पर हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये माइनस का और ये प्लस माइनस, फिनिश हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर कैसा साइन था, पॉजिटिव, ये तो माइनस फिनिश हो गया, माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बन गया, ये प्लस चार्ज। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी हो गई, कम हो गई है, जिस कारण से क्या होगा, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहां से इस पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेगा और अगली बार ये ऐसा का ऐसा ही ओ माइनस और ये प्लस, यहां पर अभी प्लस चार्ज था तो ये क्या करेगा, इस जगह पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस स्थान पर, यहां पर। तो प्लस चार्ज कहां पर पहुंचा, इस स्थान पर। अब ये जो माइनस चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अगले वाले कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, जिससे इनके बीच में यहां पर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और ये ऐसा का ऐसा ही। अगली बार ये कार्बन एटम ऐसा का ऐसा ही, ऊपर माइनस चार्ज, यहां पर कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही। नेक्स्ट अनुनादी संरचना में क्या होगा, यहां पर ये क्या करेगा, इस कार्बन एटम, ये वाला जो कार्बन एटम है, दोनों ये क्या करेंगे, इस जगह पर प्लस चार्ज और यहां पर माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, इस स्थान पर
इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा देगा, जिससे बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, इस वाले कार्बन एटम और इस वाले कार्बन एटम, मींस यहां पर ये बॉन्ड टूट गया है, प्लस चार्ज बना है यहां पर। अगली जो स्ट्रक्चर है वो ये कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन और यहां पर ये हाइड्रोजन। क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है ये ब्रेक डाउन होगा और इस स्थान पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, प्लस चार्ज यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, क्या बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड, जैसा था वैसा ही बना लिया, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही, ये भी बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही, अब बचा ये प्लस। तो यहां पर इस वाले कार्बन एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, जो क्या करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो इसको प्रोवाइड करा देगा, जिससे क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो यहां पर हमें पहली अनुनादी संरचना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांच अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं, आर्थो पोजीशन पर, यहां आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, इन यहां पर भी आर्थो पोजीशन है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कम, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस मेटा पोजीशन पर, यहां पर और इस स्थान पर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, वो सब की सब इसी मेटा पोजीशन पर होंगी, मींस जो नाइट्रीकरण है वो भी मेटा पोजीशन पर ही होगा, चाहे नाइट्रीकरण हुआ या सल्फोनीकरण हुआ या ब्रोमीनीकरण हुआ, मींस हैलोजनीकरण, सारी की सारी अभिक्रियाएं इसी मेटा पोजीशन पर संपन्न होंगी। कैसे होंगी देखते हैं, बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड रहा CHO, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, ये रिएक्ट करेगा किससे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक एसिड से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो यहां पर इसे मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूं, किस तरह से, HO और ये NO2, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मेटा पोजीशन पर, तो मेटा पोजीशन क्या होगी, एक स्थान को जहां पर ये बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, उसमें से उसके जस्ट पास वाले कार्बन को छोड़ करके जो अगला वाला कार्बन एटम होगा वहां पर होगा। तो यहां है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से ये हाइड्रोजन और ये HO, ये दोनों रिएक्ट करके बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल और ये बाहर निकल जाते हैं और क्या होगा, इस मेटा पोजीशन पर ये बेंजल्डिहाइड और इस मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, ये नाइट्रो समूह आकर के जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, कहां पर है ये, मेटा पर, क्या है, नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से अगर बात करें हम कीटोन की, तो ये तो बेंजल्डिहाइड का हो गया, अगर कीटोन करें, ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन की भी क्रिया जस्ट ऐसी ही होती है, तो यहां पर ये CO और ये CH3, इसका नाम होता है एसिटाफिनोन, एसिटोफिनोन। तो जब इसकी क्रिया होगी HNO3 से, सेम बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, ये ग्रुप ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहां पर CO CH3, ये ऐसा का ऐसा ही,
मेटा पोजीशन पर आकर नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, मेटा नाइट्रो और एसिटोफिनोन। और ये अभिक्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हम कह सकते हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक कीटोन है, ये कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब नाइट्रिक एसिड से क्रिया करते हैं तो मेटा प्रतिस्थापी एल्डिहाइड और इस जो कीटोन है ये प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होती है, अंग्रेजी में इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड रहा, इसकी क्रिया हम H2SO4 से कराएं तो हमें क्या होगा, मेटा पोजीशन पर इसका जो प्रतिस्थापी समूह है वो आकर के जुड़ जाएगा। कौन सा प्रतिस्थापी समूह रहेगा, तो यहां पर अभी क्या है हाइड्रोजन, तो यहां से क्या निकलेगा HO और बाकी क्या बचा यहां पर SO3H। तो यहां पर ये हो गया H कितने दो हो गए, SO कितने हो गए तीन, ये और एक चार, तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की इससे क्रिया होती है तो क्या बनेगा HO, ये तो बाहर निकल गया, बचा कितना ये SO3H समूह बचा हुआ है, ये क्या होगा इस मेटा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाएगा और ये HOH बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा यहां पर ये CHO और यहां पर मेटा पोजीशन पर क्या आ गया सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या बन गया, ये है मेटा बेंजल्डिहाइड, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से अगर यहां पर CHO समूह के स्थान पर हम कीटोन समूह ले, यहां पर हो जाए CO CH3 और क्रिया कराएं किससे सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या मिलेगा हमें यहां पर COCH3 ऐसा का ऐसा ही मेटा पोजीशन पर आकर के क्या जुड़ जाएगा ये SO3H। ये क्या था कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, इसका नाम क्या होता था एसिटोफिनोन। तो ये क्या बन जाएगा मेटा एसिटोफिनोन और क्या है ये सल्फोनिक एसिड, मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड। तो इस अभिक्रिया में भी जो प्रतिस्थापी समूह है वो मेटा पोजीशन पर ही प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से अगली अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनेशन क्या होगा, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन है तो Br को हम इस तरह से लिख सकते हैं Br बॉन्ड Br। तो यहां पर ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं HBr और क्या होगा जो ये Br बचा है वो इस मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा ये बेंजल्डिहाइड और मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन। तो इसका नाम हो गया ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। लेकिन कौन सा ब्रोमो, ये मेटा पोजीशन पर है तो आ जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजल्डी
हाइड। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कीटोन की अभिक्रिया कराएं तो यहां पर एसिटोफिनोन क्रिया करा रहे हैं किससे, ब्रोमीन से, Br2 से। क्या मिलेगा हमें, एसिटोफिनोन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, CO CH3। केवल मेटापोजिशन पर आकर ब्रोमीन समूह जुड़ जाएगा और प्राप्त होगा मेटा ब्रोमो, और ये क्या था, एसिटोफिनोन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नई वीडियो में हम कुछ अगला टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तब तक के लिए धन्यवाद।